जन सुनवाई में पीड़ित द्वारा जहर खाने की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाई जेसीपी। अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका इंजीनियर के साथ मकान मालिक ने की झुमा झटकी। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित नंदा मार्ग निवासी हरिराम सेन के मकान के सामने शासकीय जमीन पर वहीं के रहने वाले विजय कर्मा द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मकान निर्माण से लेकर आज तारीख तक अधिकारियों से की जा रही थी। हालांकि इस शिकायत पर स्थानीय नगरपालिका प्रशासन ने पूर्व में भी संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद अतिक्रमणकर्ता द्वारा पुनः उसी स्थान पर पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसकी शिकायत होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हाल ही में शिकायतकर्ता हरिराम सेन मंगलवार को जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंचा था, जहां उसने अपनी समस्या बताकर उपस्थित अधिकारियों के समक्ष जहर की शीशी बताकर दो दिन में अतिक्रमण नहीं हटने के उपरांत जहर खाकर मरने की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे नगरपालिका का प्रशासनिक अमला अपने कर्मचारियों के साथ उक्त मकान का अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान जेसीपी मशीन से मकान में बने अतिरिक्त अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मकान मालिक के साथ उनकी पत्नी और बच्चों ने अधिकारियों से मकान नहीं तोड़ने की गुहार भी लगाई, लेकिन जब अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी तो मकान मालिक श्री कर्मा ने नगरपालिका इंजीनियर आशीष राठौर के साथ झूमा झटकी कर दी। इन गतिविधियों को देख पुलिस बल ने विवाद को समाप्त कर श्री कर्मा को थाने ले जाकर बैठा दिया, जिसके बाद फिर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। जबकि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर नगरपालिका सीएमओ केशव सिंह सगर द्वारा नंदा मार्ग स्थित एक नाले को भी खोलने की कार्रवाई की गई है। नंदा मार्ग पर विजय कर्मा जी का मकान है, वो पिछले दो साल से कुछ अतिरिक्त निर्माण अवैध रूप से किया था। पूर्व में भी नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, पुनः उन्होंने निर्माण कर लिए थे। इस संबंध में दो तीन सूचना पत्र जारी की गए, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। इसके संबंध में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। संबंधित व्यक्ति ने जो है मकान मालिक ने इंजीनियर की हाथापाई और झूमा झटकी की है और पुलिस उसको थाने में ले गई है और हम लोग इस अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद आवेदन देंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर कोई 181 की शिकायत में नाला के भी हटाया गया है, नाला ओपन किया गया। वहीं पास में एक नाले वो है कि कुछ सामने एक बाड़ा है, उन्होंने सामने नाले को पैक कर दिया है और पानी वहाँ से जाके उनके पास जाता है, ऐसी शिकायत प्राप्त है सीएम हेल्पलाइन में, उस पर भी जो है कार्रवाई की है। विजय कर्मा, मेरा मकान की रजिस्ट्री है, सब कुछ है और नगर पालिका द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है और मुझे बार बार हरी सेन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पत्रकार है जो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां दे रहा है। क्या मेरे अतिक्रमण बढ़वा में है क्या? पूरा मोहल्ले दुकानें अतिक्रमण में हैगी, ये होटल सबके अतिक्रमण में है क्या? मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी, जहर खाने के लिए मैं तैयार हूँ। बार बार शिकायत के बावजूद भी मेरा उचित निराकरण नहीं किया जा रहा है। सीएमओ की हठधर्मी था और इसके बावजूद भी मेरा डैमेज किया जा रहा है। लाखों रुपये का मकान उस नियम के तहत किया जा रहा है क्या? किस नियम के तहत किया जा रहा है? मेरे पास रजिस्ट्री है, परमिशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सीएमओ की हठधर्मिता और इन दुष्टों की शिकायतों की वजह से क्या मैं अकेले दोषी हूँ क्या? आपको तीन नोटिस दिया, आपने क्या जवाब दिया? मेरे वकील ने जवाब दिया हुआ है। क्या जवाब दिया तीन नोटिस? मेरे वकील ने जवाब दिया गया है कि इनको यानी कि इनके नियम के विरुद्ध जो है आपने जो कार्रवाई की है गलत की गई। ये भाभी का, मेरे भाभी का हिस्सा है, जो विधवा है, वीडियो है, जिसकी बार बार नहीं कि उनके उनका रख रखा उनके देख रेख के लिए मैं कर रहा हूं। आपके द्वारा शासकीय गली पे कब्जा नहीं किया गया? नहीं सर, मेरे साथ कोई शासकीय गली पे कब्जा नहीं किया गया है। ये उचित नहीं है, अनुचित है, ये अनुचित है, न्याय के विरुद्ध है ये। डिजियाना न्यूज निवाड़ रिपोर्ट बड़वा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट